तो सरहद पार से एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश तेज हो गई है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक 600 आतंकवादी, जी हां 600 आतंकी पाकिस्तानी सीमा को पार कर हिंदुस्तान की सरहद में घुसपैठ करने की तैयारी में लगे हुए हैं। पाकिस्तान में एक ओर इमरान खान की ताजपोशी की तैयारी है, दूसरी ओर कश्मीर से सटी सीमा पर आतंकी मूवमेंट बढ़ गई है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 600 आतंकी घुसपैठ की तैयारी में हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इतनी बड़ी संख्या में आतंकी पहली बार देखे गए हैं। जी हिंदुस्तान के पास किस लॉन्चिंग पैड पर कितने आतंकी मौजूद हैं उसके सारे डेटा हैं। गुरेज, माछिल और केरन सेक्टर के लॉन्चिंग पैड पर 175 आतंकी, तंगधार, नौगाम और उरी सेक्टर के लॉन्चिंग पैड पर 157 आतंकी, रामपुर, पूंछ और कृष्णा घाटी सेक्टर के लॉन्चिंग पैड पर 90 आतंकी, भिम्बर गली, नौशेरा सेक्टर और सुंदरबानी सेक्टर से सटे लॉन्चिंग पैड से 62 आतंकी घुसपैठ की तैयारी में हैं। और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की यह सबसे बड़ी तैयारी चल रही है। पिछले कुछ दिनों के दौरान घुसपैठ की लगातार कोशिशें हो रही हैं। जरा आंकड़ों पर नजर तो डालिए। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई महीने में आतंकवादियों ने 47 बार घुसपैठ की कोशिश की, जिसमें से 28 बार आतंकी भारत की सीमा में दाखिल होने में कामयाब हो गए। आतंकी सबसे ज्यादा माछिल और केरन सेक्टर से कश्मीर में दाखिल होने की साजिश में लगे हुए हैं।